अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपकी भाभी आज बहुत दिन के बाद दिख रही है, और आपका ये भतीजा भांजा, इसको देखो, ये मेरा बेटा, आपका पोता है, आपका भतीजा है, आपका भांजा है ना। तो 4 महीने का हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह 5वां महीना चालू है। ठीक है, तो आज मैं छुट्टी पर हूँ, आप लोग जानते ही है, मैं एक ड्राइवर भी हूँ, जॉब पर जाता हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे आपकी भाभी, आपकी बहन को लेकर, क्या हो गया, भाभी नाराज़ हो गई क्या, क्यों नहीं रही हूँ। अभी वो खुद ही बता देगी, सुन ले रहा आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं आ रही थी क्योंकि जान को संभालने में थोड़ा वक्त निकल जाता है, तो नहीं आ पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हमेशा के व्लॉग डालूँ, आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों को बताओ कि आज कहाँ गए थे, तो नहीं आ पाती उसके लिए सॉरी। बट आज आ गई फाइनली, आप लोगों को इतना याद कर रहे थे, आप लोगों के कमेंट्स मैंने बहुत सारे पढ़े हैं कि भाभी कहाँ है कहाँ है, तो आ गई मैं। तो मुस्कुराहट से आपको पता चल रहा होगा, नहीं तो कुछ लोग शिकायत करेंगे कि भाभी ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही है। ऐसा नहीं है, ठीक है, सच्चा वाला मुस्कुरा रही है, देख लो इसको। हाँ, तो कल हम लोग गए थे ईजान को लेकर, अभी उनको नाना ही कह सकते हैं, इनके नाना ही समझो लगते हैं, वो पुलिस वाले हैं, और बहुत मतलब इनको बहुत लाइक करते हैं ईजान को, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ। तो बहुत अच्छे हमारे रिलेशन है, अखलाक और मोहब्बत इतनी ज़रूरी होती है ना कि आपके रिश्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, बन जाते हैं। हाँ, अखलाक और मोहब्बत हमारे ऊपर है कि हम कैसे अखलाक रख के सामने वाले से बातें बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो ठीक है, हमारी तो अच्छी बॉन्डिंग होती है ज़्यादातर लोगों से, बस जिससे थोड़ी सी लड़ाई भी हो जाती है, किसी से मोहब्बत भी हो जाती है, पर मोहब्बत जिससे हो जाए उससे अल्हम्दुलिल्लाह टिकती बहुत लंबी तक, टाइम तक है। तो पहले ऐसे ही होता था, घर में शांति नहीं हुआ करती थी हमारे, क्योंकि जब इज़्ज़ान नहीं था, हम जानते हैं आज भी वो 9 साल कैसे काटे हम लोगों ने ना, अल्लाह बेहतर जानता है। तो बहुत घर में हमारे मतलब कभी कुछ हो जाता, बातचीत ख़राब हो जाती है। ईजान जब से आया ना, कसम कसम से इतना मतलब खूबसूरत टाइम जा रहा है हमारा, और खुशी खुशी, ये देखो क्या कर रहे है, हमारी तो बात ही चलते रही, सुन देखो इसको, इसको देखो, इसको देखो, करने को याद आया। ईजान, सब तेरे मामा लोग तुझे देख रहे थे, सारे चाचा लोग देख रहे हैं, सलाम करो, सलाम करो, सलाम अलैकुम। ये हाथ करने भी नहीं देगा। तो बेशक अपने बच्चों को दुनियावी इल्म भी दीजिए, और कुरान हाफिज़ तो बेशक मैं इसको बनाऊंगा ही, कभी मेरी ज़िंदगी में कुछ कमियां रह गई हो पढ़ने में लिखने में, तो वो कमियां पूरी मैं अपने बेशक बेटे से पूरी हो जाएगी, ये पढ़ेगा अच्छे से, कुरान हाफिज़ बनेगा माशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे अभी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह। तो बच्चों को दुनियावी तालीम भी दीजिए, स्कूल वगैरह ये सब भेजना चाहिए, और हमारे दीनी तालीम भी ज़रूरी है ना। तो इसके बारे में तो अभी मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, बहुत सारी बातें चल रही है, चलते रहती है। अभी जिनके पास हम गए थे, इनके में बोले नाना लगते हैं वो तो इनके लिए उन्होंने बोला है कि ये IPS ऑफिसर बनेंगे, ऐसी बात की है। देखता हूँ, मैं तो चाहता ही हूँ मेरा बेटा कुछ करे, ऐसा कुछ करे ना, सब देखते रह जाए, बस अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह सबसे बेहतर है। बाकी कामकाज के बाद जो टाइम मिलता है, बहुत लोग सोचते हैं कि खाली वीडियो ही बनाता हूँ मैं, वीडियो बनाने के अलावा कुछ काम धंधा है नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं काम पे भी जाता हूँ, ड्राइवर हूँ मैं, मेरा TR लाइसेंस भी है, दिखाई दे, तुम्हारे भाई का TR लाइसेंस है, TR लाइसेंस मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी हो गई है, देखो अल्लाह ताला ने बहुत खुशियाँ दे दी हमको, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैमिली व्लॉग्स बनाने की पूरी पूरी ट्राई करूँगा, अच्छे से बनाओ, अच्छे से आप लोगों के साथ बातें रखूँ, हाँ। और ईजान भी देखो अभी हो ही गया 4-5वां महीना चालू ही है उसको, स्ट्रॉबेरी खा बस वो दिन का इंतज़ार करना है जब ईजान आप लोगों से बात करेगा माशाल्लाह। और कुछ बात पूछो, तुम्हारी भाभी से कोई शिकायत बची है क्या, बात कर लो। शिकायत क्या रहेगी, बस कुछ लोग हैं जो अच्छा बोल देते हैं, और कुछ लोग हैं जो ऐसे ऐसे वर्ड बोल देते हैं,
जो हूँ जैसी हूँ आप लोगों के सामने हूँ, मुझे बस आप लोगों के सामने आने के लिए मुझे दिखावा करके नहीं आना है। तो कुछ लोग भी हैं ऐसे जो मेरे सामने आने से पसंद नहीं करते हैं, तो ठीक है मैं जैसी हूँ ऐसी ही आप लोगों के सामने हूँ। तो इल्ज़ाम लगाने से पहले बोलते हैं ना कि लोगों की आदत ही होती है, कितना ही हम कैसे रह ले उंगली उठाए बिना बाज नहीं आते। आजकल की दुनिया यही है, आप अच्छा भी करोगे तो भी गाली खाओगे, लोग आपको बुरा ही बोलेंगे, समझ रहे हो आप। और ये तो दुनिया का दस्तूर ही है भाई, हमारे नबी पैगंबर के ज़माने में भी होता था, सहाबियों के ज़माने में भी होता था, हम तो खैर हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं ना, तो ये सब चीज़ें होते रहती है। और इंसान को कभी भी ऐसे आप जज ना करें, समझ रहे हैं आप। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है आपकी भाभी से, आपकी बहन से बहुत कुछ सीखा है मैंने, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक अच्छा मोमिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ गलतियाँ हमारी भी है, कुछ हम में भी कमियाँ है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, हमें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देख लो, आज बोलो सोचा ही मैं एक ब्लॉग कर ही लूँ, देखो इजान को, देखो इसको, हाँ बहुत प्यार करते हैं ना, बस दुपट्टा हो या कोई भी चीज हो बस मुंह में ढालने को चाहिए होती है। देखते रहे, मामा लोग देख रहे हैं, सब चाचा मामा सब तुझे देख रहे हैं, नाना दादी सब देख रहे थे। सलाम अलैकुम, देखो इसको, पहले इसको खा लेने दो फिर आपको जवाब दे देना। देखो कैसे मस्ती करता है, अभी मस्ती के मूड में नहीं है, फिर अभी नींद से उठा है ना, मस्ती नहीं करेगा अभी, मस्ती करने का टाइम भी आपको बताऊंगा। ये मस्ती करता है तो बहुत मतलब हाँ, सिर्फ आ आ आ एक ABCD का पहला वर्ड तो इसने सीख भी लिया है। ए ए तो आज के लिए ये ब्लॉग यहीं पे हम लोग एंड करते हैं जी, और कुछ भी अगर कोशिश करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ खा रहे कहीं जा रहे या फिर ऐसा ही कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे नॉर्मली भी हम कुछ बातें कर रहे हैं तो वो आपसे एटलीस्ट शेयर कर सकें। हम कहीं पे भी छोटी सी ड्राइव पे क्यों ना हो, हम कहीं जा रहे तो वो बस आपसे शेयर कर सकें, क्योंकि आपके सपोर्ट के अलावा तो वो ब्लॉग भी कोई वो नहीं है, नहीं है। तो कोशिश करना कि आप लोग जितना सपोर्ट कर सको वो सपोर्ट करो, और इसी तरीके से प्यार देते रहो। रही बच्चे वो लोग जो नेगेटिव है तो उन लोगों की थिंकिंग बदलने टाइम नहीं लगेगा, वो भी बदल तो जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो भी अपने भाई है, उनका मोबाइल है, उनकी चीज़ें हैं, वो टाइप करते हैं, बस भूल जाते हैं कि हम किसी और को बोल रहे हैं, तो ठीक है कोई नहीं। चलिए दुआ में याद रखना, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता ही हूँ, तुम्हारी भाभी भी दुआ करती है, तुम लोगों के लिए सबके लिए दुआ करती है, अपन सब फैमिली है, ठीक है। अल्लाह से मैं दुआ करूंगा और मेरी दुआ अल्लाह कबूल करता है, पता है इनको जी, तो बहुत अच्छे से जानती है, मैंने अल्लाह से जो भी मांगा है मुझे मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग खुश रहो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, और देखो आपके भतीजे को भांजे को पोते को कैसा मस्ती करता है, बस हमारी तरह जिनकी ज़िंदगी अभी भी बेऔलाद है उनको बस औलाद नसीब हो जाए, आमीन। और जो भी जिसकी मुराद हो, जो अधूरी हो कहीं टाइम से, तो हम यही दुआ करेंगे कि बस मोमिन हो या जो भी हो, जो भी हो कोई भी इंसान हो, कहीं से भी हो, नहीं कर रहे हैं मुसलमान ही नहीं, दुआ कर रहे हैं कि भाई हो हर एक के हक में बस वाजिब ही हो, उनके साथ अच्छा ही हो, अल्लाह सबको औलाद दे, आप लोग सपोर्ट करते रहो, हमारी फैमिली के लिए दुआ करते रहो। वो बोलते हैं ना, हम जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो बदले में हमें भी वही मिलता है, वही मिलता है, जैसा दोगे वैसा पाओगे, तो दुआ करते रहो, दुआ पाते रहो। हाँ चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, बिल्कुल। आज का ब्लॉग थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन निकलेंगे थोड़ा बाहर, सजा देंगे तो इंशाल्लाह, है ना। और जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है भाई, वहाँ पे भी हम दुआ करें, हक की आवाज़ उठाओ, हक की आवाज़ उठाओ, अल्लाह उनको भी और उन लोगों को भी समझ दे जो जुल्म करते हैं, अल्लाह उनको भी समझ दे। बाकी तो सच्चाई की जीत होनी है, बेशक अल्लाह सबको खुश रखे। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।